आज 100 वाकयात हुए जिसमें आप खुद देख लें कि जो डॉल्फिन की इनकी कारकर्दगी है, ऑलमोस्ट 300 डॉल्फिन टीम्स गश्त पे होती थी जिसमें से अब सिर्फ 30 हैं कि 20 हैं, 20 और 30 के दरमियान हैं। तो मैं इनकी कारकर्दगी पे ये ज़रूर बात करूंगा क्योंकि ये फार्म 47 की मुसल्लत करदा ये गवर्नमेंट है, इनको अवाम के हकूक व माल की ज़रा भी परवाह नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि एक 5 जो हमारे एक मुझे आर्टिकल मैंने कल डॉन में पढ़ा है उसमें मुझे बड़ी हैरत हुई है, आसिफ भट्टी साहब का आर्टिकल है आई थिंक, कि उसमें 5 जो आपके मेन हॉस्पिटल हैं उनमें दवाइयां नहीं हैं लाहौर के, सारे पैसे अरबों पैसे इन्होंने रिवैम्पिंग पे लगा दिए और जो वो पैसे आपकी दवाइयों पे होना था वो उनकी अस्पतालों की फजूल से ये उस अस्पतालों की आप लोन में काम कर लें, ये उनके कमरे बना लें। इस वक्त पायोडीन भी 5 बड़े अस्पतालों में मौजूद नहीं है। ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमारा मेन टॉक ऑफ द आज जो मेन हमारा टॉक है। उसके बाद इनकी अपने मेंबर्स की कारकर्दगी जो लाकानूनीत की हद है, मुझे इतला मिली है कि इनकी मिनिस्टर साहबा हैं उन्होंने किसी थाने पे चढ़ाई कर दी है, एक उनके एमपीए साहब हैं उनको मेरे ख्याल में रोका गया है किसी पुलिस के वार्डन की तरफ से या पुलिस की तरफ से, तो उसको बाकायदा माफ़ी मांगनी पड़ी है। तो ये इनके अंदर जो शहनशाहियत और फसातियत वाला ये एक खन्नास है वो उसी तरह है। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह ना करें। उसकी वजह ये है कि आप जब तक अवाम को डिलीवर नहीं करेंगे तो आपको अवाम वैसे भी रिजेक्ट कर चुकी है और मज़ीद रिजेक्ट कर देगी। तो मेरी हकूमत से अपील है और मैं हकूमत को ये मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म 47 की वजह से आप हमारे ऊपर मुसल्लत तो हो गए हैं लेकिन इस वक्त जो सूबे की पोजीशन है ये तो मैं आपको सिर्फ लाहौर और फैसलाबाद जो बिग सिटीज़ हैं, अगर आप रिमोट एरिया में चले जाएँ तो वहाँ तो पुरसान हाल ही को नहीं है। रमज़ान पैकेज की मैंने पिक्चर्स भी अपने एक दो भाइयों को भेजी हैं, जैसे गरीब आदमी को खड़ा करके तो वो बना रहे हैं पिक्चर्स बना रहे हैं, उसका हाल तो आपने वैसे देख लिया। तो बस मैं आपके तवस्सुत से पंजाब गवर्नमेंट को मैं यही कहना चाहता हूं और उनको मुतनब्बे करना चाहता हूं कि अपने लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ठीक करें, अपने लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक करें। इस वक्त कॉस्मेटिक और टिकटॉकर से हुकूमत नहीं चलने वाली। 12 करोड़ आवाम का ये सूबा है और इस वक्त ये जो सूबा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। मलिक साहब ये बता दें कि 40 के करीब शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि अरकान पंजाब असम्बली हैं जो शायद इस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं है या रास्ते में नहीं है या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक किसी सूरत है, सेनेट इलेक्शन सर पर है, क्या हिकमत अमली है? देखिए मैं कल से इन चीज़ों पे काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ जी। मरवत साहब हमारे कुलीग हैं, उनको किसी गलत फहमी की बुनियाद पर कोई शायद इतला मिली है। एज सच इधर पंजाब में तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है वो इंटैक्ट है और आज भी हमारे बंदे आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम ये पूरा हफ्ता आपस में हमारी कोऑर्डिनेशन है। और क्योंकि बजट इजलास में आप खुद देख रहे हैं कि पहली दफ़ा एक अग्रेसिवली हमारे मेंबर्स बजट स्पीचेस कर रहे हैं, बजट में हिस्सा ले रहे हैं, तो पहली दफ़ा ये हो रहा है कि प्रॉपर अपोजिशन हो रही है। तो ये हुआ है कि हमारा चूँकि अपोजिशन लेटर थोड़ा सा लेट हमारा फॉर्मेट बना है तो उसमें ये आप कह सकते हैं कि पहले दिनों में कुछ ना कुछ हुआ है, अदरवाइज अब ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं। बताएं कि पंजाब असेंबली से अपनी सेनेट में दोनों नशिस्तें बन रही हैं जनरल पर, क्या दोनों नशिस्तें पीटीआई निकाल लेगी यहाँ से अपनी? जिस किस्म का ये जो अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक का मामला चल रहा है, ये कि आज़ाद उम्मीदवार जो यहाँ से लड़ रहे हैं उस हवाले से चल रहा है कि शायद आपके जो लोग हैं वो एक आज़ाद उम्मीदवार को वोट करें, क्या सूरत हाल ओरिजिनल है क्या यहाँ पर? दोनों सीटें आप निकालेंगे या वो आज़ाद उम्मीदवार आप में डेंट डालेंगे? लेकिन ये बात यह है कि हमारी तादाद पूरी है 47 पॉइंट समथिंग पे एक मेंबर बनता है, तो हमारे हैं 104 मेंबर। अब इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हमें अपनी दोनों सीटें निकालनी चाहिए और हम निकालेंगे और ऐसा सच ऐसी बात सामने भी को नहीं है। और 40 मेंबर का मतलब है तो पार्टी चले जाना, 40 मेंबर वाली बात तो है ही नहीं। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा डेंट, या मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा। अच्छा मलिक साहब ये फरमाइएगा कि मरवत साहब आए रोज इस तरह के बयान देते हैं, फिर उसके ऊपर मुतनाज़ा मामलात भी आते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि
कुछ लोगों को नोटिसेज हुए और वो जो है वो इसलिए जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं और दूसरी पार्टी को वोट करेंगे? देखिए नोटिसेज की जो बात है ना जी, नोटिसेज तो आप समझ लेंगे 8 फरवरी की शाम 11 बजे से नोटिसेज तो जारी हैं। यानी पहले उन्होंने 10,000 की लीड को ख़त्म किया, कहीं 20,000 की लीड को ख़त्म किया, इवन 72,000 वोट, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। आप कभी भी अगर इसकी तहकीक हो जाए कि मियां नवाज शरीफ के ज़ाती हलके में 71,000 से 72,000 वोट डाले गए हैं, यानी उसमें तो वो ये बात बिल्कुल ठीक है। आज भी हमारे जो MPs हैं कई, उनको नोटिसेज रिकाउंटिंग किया, हालांकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी आपके सामने आ चुकी है, इलेक्शन कमीशन में ही वो केसेस जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ हमारे स्टे पे चले गए हैं और कुछ डेट्स हमारी आ गई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंशाल्लाह कोई ऐसा। अच्छा मतलब साहब ये बताएं, PTI को जो है इस जमहूरी दौर के अंदर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी जा रही, उसको फरक है? देखिए जी आपके सामने है, हमारे एक मखसूस जमात पे पंजाब पुलिस लगी हुई है और उसका काम ही यही है। अब लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन आप देख लें, 700 केसेस पहले रमजान के अशरे में सिर्फ लाहौर में, ये एक हौलनाक इंकशाफ है। और उसके बाद आप देख लें जो ये पितंग डोर वाला मामला है, आए रोज नौजवान बच्चे बेचारे शहीद हो रहे हैं, मैं तो शहीद ही कहूँगा। और उसके बाद उनका एक ही फोकस है कि जहाँ कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको वर्कर मिले, आपको उनका कोई MP मिले, कोई मिले, उसको उठा लो, वो पुरमन एहतजाज करें, उनको पुरमन एहतजाज न करने दें, क्रैक डाउन करें, इसके अलावा पंजाब पुलिस का क्या काम है? एक ये बता दें कि मरवत साहब एक बात और की, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमें ऑफर की है कि आपको एक सीट दे देते हैं, इस हवाले से बता दें कि ऐसी ऐसा नून लीग की तरफ से कोई ऑफर हुई या दूसरा आपके साथ कोई पीपल्स पार्टी या नून लीग के अरकान रबते में? देखिए जी ऑफर एक की नहीं, हमारी दो सीट्स हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह पिछली हमारी गवर्नमेंट थी उसमें जो फार्मूला अडॉप्ट हुआ था, जब पंजाब बिला मुकाबला हो गया था, उन्होंने इस किस्म का एक फार्मूला दिया है। बट इन हालात में हम अपनी पार्टी जो ऊपर से हमें अपनी जो मेन हमारी कोर कमेटी है वो जो हमें इंस्ट्रक्शन देगी हम उसको भेज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मतलब ये बताइएगा कि आपने कहा कि लोग जो हैं वो नहीं जा रहे, सारे इंटैक्ट हैं, कहीं से उन्हें तोड़ने की कोशिश भी हो रही है या उन्हें जो है वो कोई लालच या इस किस्म की कोई इत्तला आई है? देखिए जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वतीरा क्या रहा है, आप ये बताएं कि हमारी 27 सीटें जो उन्होंने छीनी है उनके अंदर खौफ है। उनके अंदर खौफ इसलिए है कि वो जेली गवर्नमेंट है और जब जेली गवर्नमेंट कोई चीज जेली होती है तो वो अपने आप को छुपाती है, तो उसका हमारे एंड पे कोई ऐसी इतला नहीं है, लेकिन वो अपने ओछी हथकंडे जरूर इस्तेमाल करेंगे, उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। थैंक यू वेरी मच।